नमस्कार आदाब, मैं अफशार उलक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 80 न्यूज चैनल पर। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं किस तरीके से विधानसभा चुनाव यानी कि मुरादनगर में किस तरह की कश्मकश हो रही है और किस तरह की भागदौड़ चल रही है। प्रत्याशी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और जनसंपर्क में भी खूब समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का कितना असर है ये भी हम आपको बता चुके हैं। ज़्यादा भीड़ भड़ाका कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन प्रत्याशियों ने पूरे जी जान से अपनी मेहनत करने में चालू कर दी है। 10 फरवरी जो है वो अभी दिन आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कमर तोड़ मेहनत जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त जो है प्राइम 80 न्यूज़ की टीम जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विजेंद्र यादव जी उनके साथ हैं और विजेंद्र यादव जी से मुलाकात हमारी तमाम बार हो चुकी है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनको हमने सदरपुर गांव या भमेटा गांव या फिर ये कहें कि कलेक्ट्रेट पर लगातार इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए इनको लगातार देखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुरादनगर विधानसभा सीट पर इनको प्रत्याशी घोषित किया है और ये यहाँ आ भी चुके हैं। बहरहाल काफ़ी अगर हम डीपली बोलें तो लिस्ट भी काफ़ी लंबी है इनके कामों को लेकर। पहले तो विजेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत प्राइम 80 न्यूज़ चैनल पे। विजेंद्र यादव जी आपसे लगातार हमारी बातचीत रहती थी, आप काफ़ी मुद्दों को लेके या गाजीपुर पर वे कहें किसानों के मुद्दों को लेकर आप लगातार खड़े भी रहे हैं। आपने हर एक तरीके से सदरपुर में भी हमने देखा, भमेटा गाँव में भी देखा, आपने किसानों के मुद्दों को लगातार उठाया है। किसानों की लड़ाई क्या लगता है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से इसलिए मिलेगी कि जो जिस किसान की आय दोगुनी करने का वादा करके लोग सरकार में आए थे भारतीय जनता पार्टी के, पूरे 5 साल इस सरकार में किसान को अपमानित होना पड़ा, लाठियां झेलनी पड़ी, गोली खानी पड़ी, लाठी झेलनी पड़ी और 3 कृषि काले कानूनों के हालात में 11 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किस तरह से किसान मरता रहा, तड़पता रहा, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर किसी गली मोहल्ले के कार्यकर्ता के मुंह से भी ये नहीं निकला कि किसान की आवाज़ सुनो, उल्टा किसान को गुंडा, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डाकू, लुटेरे, क्या क्या नहीं कहा गया। तो किसान इस चीज़ को भूलने वाला नहीं है। हमने देखा था आपने काफ़ी जो राव किए हैं काफ़ी मुद्दों को लेकर, लड़ाई में आप जीते भी हैं, काफ़ी लड़ाई में आपने प्रशासन को उनके हामी में हाँ भी करवा दिया है। क्या लगता है कि मुरादनगर क्षेत्र जो है वो जाटों बहुल्य बताते हैं, कितना लगता है कि आपकी जीत का प्रतिशत कितना बैठता है, आपकी मेहनत का क्या बैठता है? मैं जातीय स्तर की तो बात नहीं करता, किसका कितना बाहुल्य है ये सारा सबके सामने है। मुरादनगर क्षेत्र में विजेंद्र यादव का चेहरा, विजेंद्र यादव का संगठन स्तर पर लोगों के बीच में उनकी आवाज़ उठाने का काम, वो किसी भी गांव में छिपा नहीं है। अगर लोग जरा सा भी सकारात्मक दृष्टिकोण से ये तय करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में संगठन के स्तर पर समस्याओं को किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, व्यापारी की, छात्र की, बेरोजगारों की, लघु व्यापारियों की, तहसील से लेकर, ब्लॉक से लेकर, गाँव से लेकर, हमने हर स्तर पर प्रशासन और शासन के समक्ष उठाने का काम किया है, हर मुद्दे पर लड़े हैं, चाहे दिल्ली एक्सप्रेसवे के प्रभावित 25 गांवों का मामला रहा हो, चाहे मधुबन बापू धाम के 6 गांवों का मामला हो, चाहे वेब सिटी से प्रभावित 18 गांवों का मामला रहा हो, कांग्रेस पार्टी और विजेंद्र यादव उसमें रात और दिन, रात को 2 बजे भी मैं उठकर थाने गया हूँ, रात को 3 बजे भी मैं उठकर थाने गया हूँ, दिन के 12 बजे बुलाया गया तो भी मैं आंदोलन में शामिल रहा हूँ और आप उसके गवाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसान समाज का समर्थन हमको नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मुझे समर्थन मिलेगा और मैं 10 तारीख को
विजयश्री हासिल करूंगा भारी बहुमत के साथ। मुरादनगर की बात करें तो मुरादनगर का सबसे हॉट टॉपिक जो है वो शमशान घाट का जो हादसा हुआ था वो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि आज भी उनकी जो महिलाएं हैं वो लगातार अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। आप भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है प्रशासन तो बिल्कुल नहीं रस्ते है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में और सरकार में बैठे हुए सरकार के लोगों की कथने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। आपको याद दिला दूं, ANI में आज भी मेरी क्लिप पड़ी होगी, मेरे पास रिकॉर्ड में दिखा दूं, अभी सबसे पहले उखलारसी कांड में 3 जनवरी को पिछले वर्ष जब 25 लोगों की वो भरभराकर जो छत गिरी उसमें मौत हुई, बिजेंद्र यादव